सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, पोकेमॉन में ऐश ने बहुत सारी बैटल्स करी हैं अब तक, और तुम लोग को पता होगा ऐश कभी भी चीटिंग नहीं करता। लेकिन यार, ऐश के कुछ ऐसे बैटल्स भी हैं जहां पर ऐश ने, तुम लोग कह सकते हो, एक तरह से चीटिंग करी थी या फिर उस मैच को काफ़ी अनफेयर तरीके से जीता था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ यार, अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। तो चलो फिर अब नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग गेम बेटिंग के द्वारा बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, वो भी बस अपने फेवरेट स्पोर्ट्स खेल के, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, और इवन फॉर्मूला 1। सो यू कैन बेट विथ माई फ्रेंड्स ऑफ BC1X, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया और पिन कमेंट में भी डाल दिया है। नंबर 1, ब्रॉक वाली जिम बैटल। तो ऐश की जो सबसे पहली जिम बैटल थी, जो कि ब्रॉक के साथ थी, वो तुम लोग को एकदम अच्छे से याद ही होगी। उस बैटल में ऐश का जीतना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ब्रॉक का जो ऑनिक्स था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, और ऐश का कोई भी पोकेमॉन बैटल में कुछ नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से ब्रॉक जो है पहली बार में तो वो जीत भी गया था, यानी कि ब्रॉक ने ऐश को एक बार हरा दिया था। लेकिन यार, फिर जब ऐश जो है वो वापस लड़ने आता है ब्रॉक से, जब उनकी सेकेंड बैटल होती है, उसमें ऐश जो है वो एक चीटिंग करता है। तो क्या होता है, ऐश का पिकाचू जो है वो बैटल में बहुत ज़्यादा जोर का थंडरबोल्ट मारता है, जिसकी वजह से ऊपर कुछ तो शावर वगैरह लगा होता है, वो टूट जाता है और उसमें से काफ़ी पानी गिरने लग जाता है ऑनिक्स के ऊपर। और यार, क्योंकि ऑनिक्स जो है वो एक रॉक टाइप का पोकेमॉन है, इसी वजह से वो वाटर से काफ़ी वीक है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है इसकी वजह से। हालांकि वो जो शावर था वो ऐश ने जानबूझ के नहीं तोड़ा था, लेकिन फिर भी यार, जब वो टूट गया और ऑनिक्स के ऊपर पानी गिर रहा था, तब ऐश ने उसका फ़ायदा उठाया और उसने उस पर थंडरबोल्ट अटैक यूज़ किया और ऑनिक्स जो है वो हार गया। तो यार, इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी फेयर नहीं कह सकते, क्योंकि ऑनिक्स को मेन जो अफेक्ट हुआ था वो पानी से हो रहा था, फिर थंडरबोल्ट लगा उसको, तो इस वजह से वो हार गया। तो यार, इसे हम लोग साफ साफ चीटिंग ही कहेंगे, बिल्कुल भी फेयर नहीं था ये। हालांकि ऐश को भी ये बात पता थी कि उसने फेयर तरीके से नहीं हराया ब्रॉक को, और उसने एक तरह से चीटिंग करी है, इसी वजह से वो भी बैच नहीं लेता ब्रॉक से। लेकिन यार, ब्रॉक जो है वो समझ जाता है कि ऐश एक काफ़ी अच्छा, स्ट्रांग और मेहनती पोकेमॉन ट्रेनर है, इसीलिए वो बिना लड़े ऐश को बैच दे देता है। नंबर 2, सरुलियन जिम बैटल। तो यार, जैसे कि तुम लोग को पता होगा, पोकेमॉन जिम्स के रूल होते हैं कि अगर तुम लोग को उसका बैच चाहिए उस जिम का, तो तुम लोग को जिम लीडर को हराना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा, तब जाके ही तुमको बैच मिलेगा। लेकिन यार, सरुलियन जिम बैटल में जब ऐश जो है मिस्टी से बैटल कर रहा होता है, काफ़ी सही बैटल चल रही होती है, तभी बीच में टीम रॉकेट आ जाती हैं, और ऐश जो है वो टीम रॉकेट को भगा देता है और उनकी जिम को बचा लेता है। और ऐसा करने के लिए वो लोग ऐश को सरुलियन जिम का जो जिम बैच रहता है वो दे देते हैं, जो कि यार देखा जाए तो बिल्कुल अनफेयर है और एक तरह से चीटिंग है, क्योंकि ऐश ने जो जिम बैटल है वो ख़त्म ही नहीं किया अभी तक। और बैच जो है वो तुम लोग को तभी मिलता है जब तुम लोग जिम लीडर को हराओगे फेयरली। लेकिन यार, ऐश को वो लोग ऐसे ही खुश होकर जिम बैच दे देते हैं, जबकि ऐश ने अभी पूरा बैटल खत्म भी नहीं किया, उसने हराया ही नहीं अब तक जिम लीडर को। और यार, ऐश जो है वो उस बैच को ले भी लेता है, हालांकि इसमें पूरी गलती हम लोग सिर्फ ऐश की नहीं बोलेंगे, जिम लीडर्स की भी गलती है यार, उन लोग को ऐसे ही किसी को भी बैच नहीं देना चाहिए बिना बैटल करे। नंबर 3, ऐश वर्सेस केसी वाली बैटल। केसी तुम लोग को पता होगा, वही जो येलो स्ट्राइप्स वाले पोकेमॉन्स की बहुत बड़ी फैन रहती है। तो यार, जोटो रीजन के एक एपिसोड में केसी की और ऐश की एक बैटल होती है, और यार उस बैटल में ऐश जो है वो एक तरह से चीटिंग करता है, मतलब काफ़ी अनफेयर चीज़ करी उसने। देखो यार, ऐश को ये बात पता थी कि केसी जो है वो एक नई ट्रेनर है, उसके पोकेमॉन्स जो है वो काफ़ी अनट्रेंड होंगे और काफ़ी वीक होंगे, लेकिन यार उसके बावजूद भी ऐश जो है वो निकालता है अपना सबसे स्ट्रांगेस्ट पोकेमॉन उसके सामने, जो कि था चारिज़ार्ड, और चारिज़ार्ड जो है वो आराम से जीत जाता है बैटल और ऐश जीत जाता है केसी से। लेकिन यार, ये एक तरह से ऐश ने चीटिंग करी, उसको पता था कि केसी काफ़ी वीक है, उसके पोकेमॉन काफ़ी वीक है, उसके बावजूद भी उसने अपना इतना ओवर पावर थर्ड स्टेज पोकेमॉन चार्जार्ड निकाला। ऐश को केसी को एक फेयर फाइट देनी चाहिए थी, मतलब उसको अपना एक नॉर्मल सा ही पोकेमॉन निकालना चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। तो यार, डेफिनेटली इस बैटल में ऐश ने एक काफ़ी ज़्यादा अनफेयर चीज़ करी थी चार्जार्ड को निकाल के। नंबर 4, ऐश वर्सेस सबरीना वाली बैटल। तो जैसे कि तुम लोग को याद ही होगा, इस बैटल में पहली बार सबरीना ने काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ऐश को हरा दिया था, और फिर दूसरी बार जब ऐश वापस आया जिम बैटल करने के लिए, वो अपने साथ लेके आया था एक हॉन्टर। लेकिन यार, बैटल स्टार्ट होते ही हॉन्टर ने लड़ने से मना कर दिया और वह अचानक से गायब हो गया। और यार, फिर जब हॉन्टर आया तो वह अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा और काफ़ी ऐसी चीज़ें करने लगा, जिसके चलते सबरीना जो है बहुत ज़्यादा हंसने लग गई।
और सबरीना हंसी, इसी वजह से कटाबरा भी बहुत ज़्यादा हंसने लग गया और वो दोनों ही काफ़ी हंसने लग गए। और फिर ऐसे ही बिना बैटल किए उन्होंने ऐश को जो है जिम बैच दे दिया, मतलब ऐश ने हराया भी नहीं सबरीना को, और सबरीना के फादर ने डिक्लेयर कर दिया कि ऐश बैटल जीत गया, जो कि यार बिल्कुल ही अनफेयर चीज़ है कि ऐश को बिना जिम बैटल कंप्लीट किए ही उसका बैच मिल गया, मतलब उसने हराया भी नहीं जिम लीडर को फिर भी बैच मिल गया ऐसी फ्री में। और यार ये पोकेमॉन जिम बैटल के रूल के खिलाफ है कि तुम लोग बिना जिम लीडर को हराए उसका बैच नहीं ले सकते, लेकिन यार यहाँ पर जिम लीडर ही ऐसे हैं कि खुद ही बैच दे देते हैं, तो इसमें भी हम लोग यार जिम लीडर की भी गलती मानेंगे, यानी कि सबरीना की और एक तरफ ऐश की भी। नंबर 5, ऐश वर्सेस टेट एंड लीजा जिम बैटल। ये यार एक डबल बैटल थी, यानी कि 2 vs 2 पोकेमॉन वाली, जहाँ पर जिम लीडर टेट और लीजा के पोकेमॉन थे सोल रॉक और लूनाटोन, और ऐश ने अपना निकाला था स्वेलो और पिकाचू। तो यार इस बैटल में ऐश एक मूव यूज़ करता है जिसका नाम होता है थंडर आर्मर, जो कि मतलब कोई असली मूव नहीं है, वो खुद से एक हाइब्रिड मूव बनाता है। इसमें क्या होता है कि ऐश का पिकाचू जो है पूरी ताकत से थंडर अटैक यूज़ करता है स्वेलो के ऊपर, और स्वेलो से फेंट नहीं होता, उल्टा उसके ऊपर एक थंडर आर्मर आ जाता है येलो कलर का। ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब मुझसे मत पूछो भाई, लॉजिक को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया इस जगह पर। और यार फिर इसी मूव की वजह से ऐश जो है वो जिम बैटल जीत भी जाता है। ये बैटल यार मेरे हिसाब से बिल्कुल भी फेयर नहीं थी। पहली बात तो किसी जिम बैटल में तुम लोग ऐसे हाइब्रिड मूव बना के यूज़ नहीं कर सकते। देखो यार स्ट्रैटेजी बनाओ वो ठीक है, लेकिन यार ऐसे खुद से मूव बनाना कुछ हाइब्रिड मूव ये ठीक नहीं है। फिर भी यार इसको हम कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीटिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं कह सकते, फिर भी यार मैंने इसको लिस्ट में लिया है क्योंकि मुझे कभी भी ये बैटल बिल्कुल भी फेयर नहीं लगती। तुम लोग को क्या लगता है, इस बैटल को भी हमको एक चीटिंग काउंट करना चाहिए या फिर फेयर बैटल थी? मेरे हिसाब से तो नहीं थी, तुम लोग अपने कमेंट्स में बताना। नंबर 6, ऐश वर्सेस ब्लेन। तो यार ऐश वर्सेस ब्लेन जो बैटल हुई थी उसमें एक बैटल होती है पिकाचू वर्सेस राइडॉन की। इस बैटल में यार एक तरफ था पिकाचू जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, एक तरफ था राइडॉन जो कि ग्राउंड और रॉक टाइप पोकेमॉन है, और इसके अलावा राइडॉन के पास एक एबिलिटी भी है लाइटनिंग रॉड नाम की, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक मूव से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार फिर भी इस बैटल में थंडरबोल्ट की मदद से पिकाचू जो है राइडॉन को हरा देता है, बस उसके हॉर्न पे थंडरबोल्ट मार के। पोकेमॉन एनिमे का लॉजिक थोड़ा खराब है देखा जाए तो, चलो हम लोग एक बार के लिए मान भी लेके टाइपिंग वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं मानी जाती, उसमें से कोई भी टाइप का पोकेमॉन किसी को भी हरा सकता है, लेकिन यार एबिलिटी तो मेरे हिसाब से माननी चाहिए उनको, क्योंकि यार सही में ये पिकाचू वर्सेस राइडॉन वाली बैटल देख के तो यही लगता है कि जो पोकेमॉन के राइटर्स हैं वो भी एकदम जबरदस्ती उस बैटल में पिकाचू को जिताना चाह रहे थे, क्योंकि यार पिकाचू के सामने ग्राउंड और रॉक टाइप पोकेमॉन है जिसपे इलेक्ट्रिक का कुछ भी असर नहीं होगा, फिर भी कैसे ना कैसे करके इसमें पिकाचू को ही जिताया। तो यार ये जो बैटल थी, मैं पूरी बैटल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पिकाचू वर्सेस राइडॉन वाली वो जो पार्ट था, वो यार मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अनफेयर था। ऐसा साफ साफ पता चल रहा था कि पिकाचू को ही ज़बरदस्ती जिताना है, चाहे सामने कोई भी टाइप का पोकेमॉन आ जाए, कुछ भी कर सकता हो, फिर भी पिकाचू को ही जीतना है। तो यार यही थी वो सारी बैटल्स जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऐश ने कुछ चीटिंग करी या फिर काफ़ी अनफेयर तरीके से जीता। तो यार अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो यार ऐसे पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जल्दी जाके कर लो, आईडी है IAM Poketuber और लिंक भी मैंने दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये रहे हमारे पिछले वीडियो के पोके क्विज विनर्स और आज की पोके क्विज। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।